हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित बानखेड़े और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वेटनरी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आपको जो भी डाउट है वेटनरी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, कट ऑफ कितना जाता है और क्या क्या अलग अलग प्रोसेस होती है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। वरना फिर क्या होता है कि बीच में आप छोड़ देते हैं, फिर वही डाउट आपका रह जाता है, फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर ये बता दीजिए, जबकि मैंने वो वीडियो में बताया हुआ रहता है। तो आप जो है ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दो तरीके की एग्ज़ाम्स होती है और वो उसका प्रोसीजर क्या है सब आपको जानना ज़रूरी है। और ये जो स्पेसिफिक मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि जो आप जो बच्चे हैं उन सबका जो डाउट्स क्लियर हो, जो भी मेरे पास डाउट्स आते हैं तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पे आपका डिस्कशन कर सकूं और वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाए कि वेटनरी में एडमिशन कैसे होता है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तब नहीं है, पर सिर्फ दो तरीके हैं जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो दो तरीके हैं ये आपके सामने हैं। देखिए, एक तो है नेशनल लेवल एग्ज़ाम। नेशनल लेवल एग्ज़ाम पहले जो होती थी AIPVT, तो ये AIPVT जो एग्ज़ाम होती थी इसके अंडर जो है वेटनरी कॉलेजेस जो है उनकी पूरी सीट्स आती थी ऑल इंडिया लेवल की। तो ये जो AIPVT जो एग्ज़ाम है ये अभी कैंसिल हो चुकी है, और AIPVT की जगह जो सीट्स उसमें थी वेटनरी की, उसकी जगह आप नीट एग्ज़ाम के थ्रू जो है एडमिशन होते, जो नीट एग्ज़ाम का स्कोर है, जो नीट एग्ज़ाम जो होती है MBBS के लिए, तो उसका जो स्कोर है वो आप यूज़ करके AIPVT की काउंसलिंग भर सकते हैं। और जैसे ही आप नीट एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद आपका एक नीट स्कोर आ जाएगा नीट रिज़ल्ट आने के बाद। तो नीट रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, AIPVT की काउंसलिंग साइट रहती है। AIPVT आप जस्ट टाइप करिएगा गूगल पे तो AIPVT की काउंसलिंग साइट आएगी, तो आपको वहाँ पर काउंसलिंग करना है। ठीक है, ये जो डेट से आती है नीट रिज़ल्ट आने के बाद, जैसे मेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसी टाइम पे AIPVT काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब MBBS के लिए काउंसलिंग करेंगे उसी टाइम पे आपको वेटनरी के लिए भी काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो ये है पहला तरीका नेशनल लेवल जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स। तो स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो है ये ज़्यादातर स्टेट्स में नहीं होती है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जो स्टेट की जो सीट्स है, जितने भी कॉलेजेस है आपके स्टेट्स में और जितने भी आपके जो स्टेट्स हैं अलग अलग, तो वहाँ पर अपने जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स होती है और वहाँ पर सिर्फ उन्हीं स्टेट्स की सीट्स जो है उसका कंपटीशन होता है। तो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के बच्चे उसमें कॉम्पिटिट करते हैं। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश में MP PV and FT होती है, तो इसके थ्रू जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और राजस्थान में RPVT होती है, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट। तो इसी तरह की जो एग्ज़ाम्स होती है इसके थ्रू आप जो है वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको पता करना है कि आपके स्टेट में कौन सी एग्ज़ाम होती है। आपके स्टेट की एग्ज़ाम आप कैसे पता करेंगे, आप अपने जो स्टेट में जो वेटनरी कॉलेजेस हैं आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है ये भी कर सकते हैं कि अपने जो सीनियर्स हैं तो उनको फेसबुक या फिर इंस्टा पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये जो है अपने सोशल मीडिया सोर्स हैं, तो आप यहाँ पर जो है उन बच्चों को फॉलो कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी वेटनरी कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी वेटनरी कर रहा हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानना है। तो वैसे ही आप अपने स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने एडमिशन कैसे लिया है। तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल, क्योंकि मुझे सारे स्टेट्स का तो पता नहीं है कि सारे स्टेट्स में क्या क्या प्रोसीजर है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पर नीट के थ्रू होता है। मुझे मध्य प्रदेश का पता है कि यहां पर PV and FT and नीट से होता है। तो राजस्थान की जो बात करूं वहां पर भी नीट से होता है। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट है वहाँ पर वेटनरी में एडमिशन हो कैसे रहा है, कि नीट का स्कोर वो लोग ले रहे हैं या फिर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम अलग से ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अपने लेवल पे। इसके लिए आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे आप अपने सीनियर्स जो है उनसे आप कॉन्टेक्ट करिए जो कि वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वेटनरी कॉलेजेस में। तो वो लोग आपको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर उस स्टेट के थ्रू आपको कैसे वहाँ पर एडमिशन लेना है और वहाँ पर जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि हो सकता है कि हर जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है उसका पैटर्न अलग अलग हो। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में GK आता हो, किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर आता हो, किसी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स भी आता हो। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको अपने जो सीनियर्स है जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ पर आपको उनसे ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप अपने वेटनरी कॉलेजेस में जाके विज़िट कर ले, या फिर जो है आप उनको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
तो ये जो है ये दो टेक्निक्स है। देख, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स, और सेकंड है स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है वेटनरी करने के लिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीट का फॉर्म भरना है। जो नीट जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका स्कोर आपको यूज़ करके AIPBT की काउंसलिंग करनी है। और दूसरी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने नीट का फॉर्म भर दिया, ठीक है, नीट का फॉर्म आपने भर दिया, नीट का स्कोर आ गया आपके पास, इसके थ्रू आपने AIPBT की काउंसलिंग अटेंड कर ली। दूसरी बात जो है, आपके स्टेट लेवल की जो सीट्स है, स्टेट लेवल की सीट्स के लिए आपको पता करना है आपके स्टेट में कैसे एग्ज़ाम होती है, कौन सी एग्ज़ाम होती है, वो आपको पता करना है आपके सीनियर्स के थ्रू। और या फिर ऐसा भी होता है कई सारे स्टेट्स में कि पूरी जो 100% सीट्स हैं, 100% सीट्स जो है वो नीट के थ्रू भरी जाती है। तो आपको पता करना है कि क्या आपके स्टेट में जितनी भी सीट्स है वो क्या नीट से भर रही है या फिर वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम से भरी जा रही है। तो ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगी खुद ही, या फिर मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करूंगा जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। आप लोग ही मुझे कॉन्टेक्ट करिए इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ से अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं उस पर वीडियोज़ बना दूँगा ताकि आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो पाए। तो आप जो है ऐसे ही करते जाइए, मतलब आपको रिसर्च खुद ही करना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता है कि वेटनरी में आने से पहले भी काफ़ी सारा स्ट्रगल है। क्योंकि एक तो जो प्रोफेशन है वेटनरी प्रोफेशन, इसमें आने से पहले आपको कई सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि इसका जो स्कोप है वो क्या है, आने वाले टाइम में वेटनरी का स्कोप क्या है, इसकी सैलरी क्या है, और यहाँ पर अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके भी मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूँ कि सैलरी कितनी होती है, क्या स्कोप है, और क्या गवर्नमेंट जॉब लगती है या फिर प्राइवेट जॉब्स का क्या स्कोप है। तो इन सब चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। और आपको ये बात बता दूँ कि वेटनरी के लिए जितना भी करियर गाइडेंस है ये बहुत ही कम आपको मिलेगा, जो नेट पर भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको एक बेस्ट सोर्स ज़रूरी है, और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शायद मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो यार थैंक यू, ये जो मेरा एक शॉर्ट सा वीडियो था, ताकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अभी एडमिशन्स कैसे हो रहे हैं वेटनरी कोर्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ जिससे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड, सैलरी या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ज़्यादातर कमेंट्स की। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।